एबीएनएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरआर पांडे और हमारे साथ ही स्टूडियो में आज मौजूद हैं 81 साल के नौजवान। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 81 साल के नौजवान हैं अशोक मलिक जी। मलिक जी आज भी गोल्फ क्लब में खासी रुचि रखते हैं और कहें तो दिल्ली गोल्फ क्लब से सीधे हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। इनकी शख्सियत अनुकरणीय तो है ही, इनके विचार ऐसे हैं जो सबके मन को भा जाए। जीवन की अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी इनके हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। तो बात करते हैं अशोक मलिक जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में मलिक साहब। मेरा आपको धन्यवाद कि आपने मेरे मुझे मौका दिया आपके स्टूडियो में आने का। आपकी शख्सियत ऐसी है कि मौका तो आपको मिलना ही था यहाँ पे सर, क्योंकि एबीएनएन न्यूज जो है एक सच्चाई को लेकर चलता है और चाहता है कि जो जीवन की जो भी चीजें हैं, हमारा प्रोग्राम जो शख्सियत है उसमें जीवन की सारी वो चीजें आए जो आज जनता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। देखिए, मेरी एक ही छोटी सी प्रार्थना है कि ना तो एबीएनएन ना अशोक मलिक किसी भी इम्पोर्टेंस के हैं। जो करवा रहा है वो ऊपर वाला करवा रहा है, वो आपसे भी करवा रहा है, मेरे से भी करवा रहा है। तो हमको ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए और ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आप सीधे आज गोल्फ क्लब से चले आ रहे हैं, 80 साल के हो गए, 81 साल में पहुंच गए हैं आप। हाँ, पहुंच रहा हूँ। पहुंच रहे हैं, फिर भी आज आप सीधे गोल्फ क्लब से लेके और तीसरी मंजिल तक, आज हमारे स्टूडियो का लिफ्ट भी बंद है, फिर भी आप तीसरी मंजिल तक यानी 70 सीढ़ी चढ़ के चले आए हैं, तो ये क्या सेहत का क्या राज है? सर, ऐसा है, सेहत और उम्र जो आपने कही 81 साल, वो उम्र सिर्फ दिमाग में होती है, शरीर में उम्र का कोई वो नहीं होता। तो दिमाग अगर आपका तंदुरुस्त है तो आपने 70 सीढ़ी कही, मैं 150 सीढ़ी भी चढ़ जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मैं थक रहा हूं या मैं बूढ़ा हो गया हूं। बहुत। गोल्फ क्लब में आपकी दिनचर्या क्या रहती है, कैसे रहती है और किन के साथ आपका गोल्फ क्लब खेलना होता है? ऐसा है, गोल्फ क्लब में बहुत लोग हैं और मैं बहुत लोगों के साथ खेलता रहा हूं और खेलता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, गवर्नमेंट के मंत्री भी हैं और गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर्स वगैरह, वो सब आते हैं और खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे बहुत असली जो चीज है, गोल्फ क्लब में कोई भी ना तो वो सेक्रेटरी होता है ना गवर्नर होता है, वो सब बराबर के दोस्ती में खेला जाता है। ये गेम में कोई ये नहीं होता कि वो बड़ा है ये छोटा है, सब बराबर खेलते हैं। और अगर मेरे साथ कोई गरीब आदमी जो कैडी रहा है वो भी खेलता है तो वो भी बराबर होता है हमारे साथ। तो आप समानता पर काफी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे साथ हो एक समान भाव से चले। सर, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ जो हमारे साथ हो, हर इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है और वही खून दिया है, वही सब कुछ शरीर दिया है। तो हम लोगों ने बीच में अपने अंदर ये क्यों डिफरेंसेस लेके आ गए, वे सब बराबर होने चाहिए। मलिक साहब, कहा जाता है कि जो संस्कार मिलता है वो माँ बाप से मिलता है, तो बचपन आपका, जो जहां तक मुझे जानकारी है, बचपन आपका काफी उतार चढ़ाव से बीता है, तो क्या रहा है बचपन की कुछ कहानियां शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? बिल्कुल ठीक कहा, मेरा जन्म हुआ एक संपन्न परिवार में, लेकिन पूरी बर्बादी हो गई 1947 में जब पार्टीशन हुई जी। तो हम लोग एक रिफ्यूजी की तरह जो कपड़े लेके पहुंचे इधर, और उसके बाद हमारे पिताजी जो पढ़े लिखे थे उन्होंने नौकरी की, उन्होंने कहा भाई अब हमको दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करनी है। तो उन्होंने ये किया कि अपने बच्चों को पढ़ाई सबसे बढ़िया देनी है। उन्होंने कहा मैं कोई जागीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, कोई जमीन छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज दे के जाऊंगा जो कि ये अपने आप आगे बढ़ सके। तो ये मेरा जीवन स्टार्ट हुआ इससे जी। तो पार्टीशन की कुछ घटनाएं याद है आपको या बहुत छोटे? याद है सब,
मैंने अपनी आंखों से देखा है, लुधियाने में जब हम लोग आए पाकिस्तान से तो डेड बॉडीज आ रही थी ट्रेनों में और जगह सब जगह, और आरएसएस के कुछ वॉलंटियर्स वो एक जत्था लेके आते थे जिसमें 50-60 लोग हिंदू मुसलमान हिंदू सिख बच्चे औरतें सबको चारों तरफ से घेर के 4-5 आरएसएस के वॉलंटियर्स जो एक हाथ में तलवार होती थी एक हाथ में लाठी होती थी वो उनको लेके आते थे, बॉर्डर क्रॉस करके दोबारा जाते थे रिस्किंग देयर ओन लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी को वो आफत में डाल रहे थे क्योंकि उधर मारकाट हो रही थी जी जी। लेकिन वो परवाह नहीं करते थे कि ये हमारा फर्ज है, हमको बाकियों को लेके आना है। और मेरा ये बिलीफ है कि अगर आरएसएस वाले उन दिनों में बचाते नहीं हिंदुओं को तो कम से कम 1,00,000 हिंदू और कत्ल हो जाता पाकिस्तान जो बना उस वक्त। आप इसके बाद जब पढ़ाई अपनी पूरी की तो आपकी कहानी एक अजीब सी कहानी रही और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? मेरी सिर्फ ये है कि स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने ये सोचा कि या तो आर्मी ज्वाइन करूँगा और या फिर नेवी ज्वाइन करूँगा या एयरफोर्स ज्वाइन जी जी। तो उसके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम होता था, एनडीए कहलाता है, उस वक्त मैंने एनडीए का भी इम्तिहान दिया और एक ट्रेनिंग शिप डफरिन था जिसके जहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर शिप्स के ऊपर जाके कुछ काम करना पड़ता था, उसके बाद इम्तिहान पास करते करते आप हर एक कोई एक कप्तान बन जाता था जहाज का टाइम टू टाइम। तो ये मेरी ट्रेनिंग हुई वहां पे डफरिन की, और ट्रेनिंग मैं ये कहूंगा ट्रेनिंग के दौरान कहा जाता है कुछ इस तरह से घटनाएं हुई कि आप अपनी एक अच्छी जिंदगी जो आप सिंगल मैरिज करके जो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम एक अच्छे खानदान में शादी करें और शादी करके फिर परिवार को आगे बढ़ाएं, तो कुछ जीवन में आप किस तरह की ट्रेजेडी रही है लेकिन फिर भी उसको आप बहुत आलिशान तरीके से आगे बढ़ाया है अभी तक। बिल्कुल साहब, आपने दुरुस्त कहा कि मेरी जिंदगी जो वहां पे डफरिन पे शुरू हुई उसमें अब आपको ये बताऊं कि हम कप्तान होने जा रहे हैं सब लोग, लेकिन हम लोगों से हर काम करवाया जाता था, फर्श पॉलिश करवाने, डेक्स चिपिंग करवानी, पेंटिंग करवानी, मतलब हर काम अपने हाथों से करवाया जाता था ताकि आपके असिस्टेंट जो हैं वो कभी ये ना सोचें कि आप बिना किसी काम के किसी को कह सकते हो कि ये काम करो और वो कहे कि इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो आप उसको दिखा सकते हो कि मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ। तो यानी कि ओबे करना था, जो सीनियर्स का ओबे करना आपकी जिंदगी का एक मकसद रहा है। सीनियर्स को ओबे भी करना होता है, लेकिन जो उससे पहले मुझे स्कूल में शिक्षा मिली थी जब मैंने भी आरएसएस की शाखा अटेंड की थी तो मेरे गुरु ने और मेरे पिताजी की भी यही शिक्षा थी कि बच्चे सब काम अच्छे करो लेकिन कहीं पे भी कोई गलत हो तो घबराओ मत, उसको बताओ, और अगर कोई तुमको तुम्हारी गलती बताता है तो उसको एम्ब्रेस करो क्योंकि वो शायद आपको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हेल्प मिले है, बुराई नहीं कर रहा आपको इम्प्रूव कर रहा है। वैसे भी आपकी जो शादी की एक घटनाएं हैं, कहा जाता है कि एक जब आप शिप में थे तो उस समय आपका दोस्त कोई एक्सपायर कर गया था, फिर उनकी मिसेस को आपने स्वीकार किया, एक ही कहानी बड़ी एक इंस्पायरिंग कहानी है। ऐसा है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने शिपिंग उस वक्त छोड़ दी थी, मैं कुछ और काम कर रहा था शिपिंग, लेकिन दोस्ती सबसे थी, तो मेरे एक साथी थे जो मेरे साथ ट्रेनिंग ली, मेरे साथ ऑफिसर थे कलकत्ता पोर्ट में, तो उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और 1.5 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैंने शादी करनी ही है तो क्यों ना उसकी बेवा जो है जिसको विधवा कहते थे जी 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 उनसे की जाए तो उनकी भी जिंदगी संवर जाएगी, मैंने तो शादी करनी ही है तो उनको। और फिर एक बेटा था उनका जो 4 साल का था जब उनकी मृत्यु हुई, अब वो 5.5 साल का हो गया, तो मैंने कहा वो बिना पिता के अगर पलेगा तो पता नहीं क्या होगा उसका जिंदगी में, तो उसको भी मैं एडॉप्ट कर लूंगा तो उसकी भी जिंदगी आगे संवार सकूंगा, तो मैंने उसको
अडॉप्ट कर लिया। इसका मतलब अपने आप अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को आपने समर्पित कर दिया पूरी तरह से। ख्वाहिश को समर्पित नहीं, मैं यही फिर से यही कहूंगा, देखिए ऊपर वाले ने जो मुझे बुद्धि दी उसी ने मेरे लिए डिसाइड किया और मैं तो उसका पाथ फॉलो करता गया हूँ। मेरे पिताजी और मेरे गुरु हमेशा यही कहते थे कि बेटे जब आपको अंदर की आवाज आती है वो परमात्मा की आवाज होती है, आप उसको सुन के जो आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो आपने उस शादी को सेरेमनाइज भी किया होगा, वो भी एक जिंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ऐसा है, उसको ऐसा है, देखिए उस वक्त जब मैंने शादी की 1973 में तो विधवा की शादियां कोई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि मेरे फैमिली वाले आर्य समाज के वो थे तो आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने विडो रीमैरिज के लिए प्रोपेगेट किया था, तो क्योंकि मेरे को वो मिला हुआ था तो मैंने कहा भाई, और फिर मेरे एक नाना जी उस वक्त जो 92 साल के थे उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मैं 70 साल से आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं इतना आज वो करता हूँ कि मेरे फैमिली में किसी ने आर्य समाज की असली वो पकड़ी है, नब्ज़ पकड़ी है। कैसे आपने उस शादी को उनको घर ले गए या फिर कैसे मैं अब आपको बता देता हूँ, छोटी जरा खुल के बताइए घटनाओं को। जब उनको उषा उनका नाम था, वो भी अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनसे मैंने ये कहा कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उनका बेटा भी था, हम लोग कहीं पे एक पार्टी वगैरह में समझिए थे जी जी। तो उसने कहा भी देखो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया चीज है क्योंकि मैं विडो हूं, आपने अभी तक शादी नहीं की, आप बैचलर हैं तो आप सोच तो लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया इसीलिए तो कह रहा हूं। कहने लगी अच्छा मैं फिर एक मिनट मुझे दीजिए। तो उसने अपने बेटे को साइड में ले जाके ये पूछा कि बॉनी अब आज तक आप, अच्छा बॉनी बेटे का नाम, बॉनी बेटे का नाम था और वो 5.5 साल का था तब जी। तो उससे कहा कि बॉनी तुम अशोक अंकल जो हैं उनको पापा कहना चाहोगे? तो उसने कहा हाँ मम्मी। तो तब वो आई कहने लगी भाई बिल्कुल तैयार हूँ लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स, मैंने कहा चलिए मैं आपके घर चलूंगा और घर से ट्रंक कॉल करूंगा अपने पिताजी को जो दिल्ली में है और आप भी सुन सकेंगी। तो मैंने आके अपने पिताजी को फोन किया कलकत्ता से कि इस तरह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि उषा से शादी करने की, उषा बंबई वाली क्योंकि पिताजी भी जानते अच्छा, थे दोस्त की बेटी बीवी थी। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई आज मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है, मैं आपके लिए वो करता हूँ और मेरी बधाई तुमको। पहले उन्होंने ये कहा कि मैं प्राउड हूँ आपके डिसीजन का, फिर ये कहा कि मैं बधाई है। और फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं आर्य समाज में शादी करने के लिए तो आप लोग वहां पे पहुंच सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं यार सिंपल सी आर्य समाज में शादी करनी है तो शादी करके तुम वापस कलकत्ते जाने के टाइम पे दिल्ली होते जाओ तो हमारी आशीर्वाद यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें। तो हमने यही किया कि कलकत्ता से बॉम्बे बुक किया, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता। तो बड़ा भावुक क्षण होगा जब 5 साल का एक अननोन लड़का ये कहे कि नहीं जी हम एक अमुक आदमी को पिता मानने के लिए तैयार हैं। उसने क्या चला उस समय आपको? मैं देखिए ये उसके दिमाग में उस वक्त जो चला वो तो जो चला मैं मानता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि हर एक शादी में मियां हस्बैंड वाइफ का पति पत्नी का कुछ ना कुछ होता है। जब भी मेरी कुछ बात हुई अपनी वाइफ से तो वो मेरी साइड लेता था, हालांकि खून का रिश्ता उसका माँ के साथ था लेकिन वो मेरी साइड लेता था कि पापा ठीक हैं, क्योंकि उसको ये भी ख्याल था कि जो पापा ने मेरे लिए किया है शायद बहुत कम कुछ कर सकें। ये उसके दिमाग में होगा, मैंने कभी उसको टटोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरी साइड लेता रहा इसी वजह से। बोनी से आज भी संबंध आपके अच्छे हैं? और कहाँ बोनी है इस समय? एक सेकंड, अब मैं इसके बारे में बता दूं, बोनी को मैंने शुरू से, उसका नाम था उमंग आनंद,
मैंने स्कूल में, मेरी वाइफ ने उस वक्त यह कहा कि इसको लीगली अडॉप्ट कर लीजिए, मैंने कहा नहीं, वो 18 साल का हो जाए उसको डिसाइड करने दो, मैं अपने आप को उसके ऊपर थ्रस्ट नहीं करना। बहुत अच्छा, बहुत आपने कर। तो मैंने उसका नाम स्कूल में, जब बड़े स्कूल में एंट्री हुई तो मैंने उमंग आनंद मलिक लिखवा दिया। अब वो सिर्फ उमंग मलिक लिखता है, आनंद उसने निकाल दिया। हालांकि उसको चॉइस थी भाई उमंग आनंद रहे, उमंग मलिक रहे या उमंग आनंद मलिक रहे, ये उसके ऊपर मैंने छोड़ा। मैं उसके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता। तो हर तरह से आपने लिबर्टी दिया एक परिवार को, एक लड़के लिबर्टी को दिया। और उसको मैंने, जैसे हमारे परिवार में एक बेटा है और उसके बाद एक बेटी हुई, तो मैंने दोनों को बराबर बराबर का सारा जो मेरे एसेट्स हैं वो मैंने दोनों में डिवाइड कर दिए बराबर बराबर। तो आपके इसके बाद की जो लाइफ रही है, पता चला कि आप गए कहीं सेवा करते करते आप कहीं ऐसे जगह चले गए कि आप खुद ही फंस गए केस में और सलाखों के पीछे आपको होना पड़ा। ऐसा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अगर आप उसको भगवान की देन समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के खा के आगे चलते जाए, मैं तो समझता हूँ वो जिंदगी का नाम है। क्या घटना क्या थी वो जो आप? घटना ये थी कि मेरा एक कजन के साथ कुछ प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा था, तो उसको डर लगा कि शायद मैं उसको कहीं फंसा ना दूं, क्योंकि उसने एक एयरफोर्स में झूठा एफिडेविट देके एक फ्लैट लिया था और उसकी नॉलेज मुझे थी, तो उसने मुझे एक झूठे मुकदमे में वो करवा दिया अपने कि एक दोस्त के साथ और एक एसएचओ के साथ। खैर हुआ हुआ, उसके बाद जब चल रहा था तो मैंने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया, मैंने कहा जी इसकी री इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, अगर इसमें सच है तो मैं, मुझे जेल जिंदगी भर के लिए भेज दीजिए, और लाइट डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए मेरे कजन का भी और मेरा भी, और अगर लाइट डिटेक्शन टेस्ट में दोनों का करवा लीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो तब री इन्वेस्टिगेशन हुई, और री इन्वेस्टिगेशन में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम वाले ने यह लिखा कि केस रंजीत सिंह थे सर, रंजीत नारायण थे शायद, तो उन्होंने ये लिखा कि ये केस हैज बीन मेड ऑन कॉन्कॉक्टेड फैक्ट्स एंड एविडेंस फज्ड अगेंस्ट अशोक मलिक। फिर कमिश्नर साहब ने ये लिखा, उस वक्त डॉक्टर के पॉल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने लिखा कि ये मैं केस पूरा देखा है और ये इसमें इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तो ये केस ड्रॉप हो जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ जस्टिस टू, तो उन्होंने ये लिखा। आपने कुछ ऐसे लोगों को भी मदद की है जो सलाह झूठे केसों में सलाखों के पीछे चले गए थे अभी। सब ऐसा है और उनको कई साल तक आपने मदद किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मदद की, मदद हमेशा ऊपर वाला करता रहा, उसने मेरे को जरिया यूज इस्तेमाल किया कि उनकी मदद करने के लिए। जो लोग चार बच्चे झोगी झोपड़ी कॉलोनी के एक झूठे केस में इम्प्लीकेट किए गए थे, क्योंकि मैं खुद एक सफर कर चुका था तो आई कुड अंडरस्टैंड उनकी पेन क्या होगी, तो मैंने उनको हेल्प की जैसे भी हो सकता था, और अल्टीमेटली उनको हाई कोर्ट ने एग्जोनरेट किया, और जो एसएचओ था और जो प्रोसिक्यूटर्स थी जो उसने झूठे उनके ऊपर दोष लगाए थे, उनके ऊपर मुकदमा दायर करने का ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने। सबकी ख्वाहिश ये होती है उम्र के चौथे पड़ाव पे पहुंचने के बाद, सबकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका एक अपना सपना हो, एक अपना घर हो, एक अपनी रिसॉर्ट्स हो, और कुछ जनता के लिए करने वाली चीज़ें हैं वो भी है। तो क्या इस तरह से भी आपने काम किया कि जो पूरी आर्कियोलॉजी से बिल्कुल अलग हट के चीज़ें थी वो भी? अब ऐसा है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरा 1998 में मैंने ये सोचा कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ बिल्कुल चर्चे में, तो मैं अपने लिए एक नेचुरोपैथी रिजॉर्ट बनाऊं जहाँ पे कि लोग आए और आए थोड़े से तबीयत गलत से, लेकिन जाए तो बड़ी ठीक होके जाए। उसमें आधुनिक साजो सज्जा कुछ नहीं था? नहीं, उसमें सिर्फ ये था कि नेचुरोपैथी रिजॉर्ट, उसमें योगा होता, उसमें सब कुछ होता, मतलब खाना पीना सब उस तरह से होता, और उनको हर तरह की सुविधा इस तरह से दी जाती कि वो हेल्दी बने।
ये फैन भी नहीं था उसमें, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था आपके? ये ऐसा है, उससे पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि उससे पहले मैं एक यहाँ पे सोनीपत के पास गोहाना के आगे एक संजीवनी आश्रम है, रामाश्रम शरणम आश्रम के साथ संजीवनी आश्रम, वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट पूरा देते हैं, तो मैंने वो देखा था। तो मैंने कहा मैं भी कुछ ऐसा ही छोटा स्केल पे, ये वो बहुत बड़ा है, मैं छोटे स्केल पे वो शुरू कर सकता हूँ चंडीगढ़ के पास, क्योंकि चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छी जगह लगी थी। तो मैंने पंचकूला में एक जमीन खरीदी 3.25 एकड़, खैर खरीदी, लेकिन वो एक साल के बाद एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने। ठीक है भाई, मुझे कॉम्पेंसेशन दे दीजिए, मैं दूसरी जगह पे कर लूंगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और 20-21 साल हो गए हैं बिल्कुल आज जमीन लिए हुए, एक ढेला उन्होंने नहीं दिया। मेरी वाइफ 1.5 साल बीमार रही, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा आ जाता जो मैं और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन नहीं दिया। वो इतने वो हैं, हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, जैसा कि मैंने कहा आरएसएस में भी मैं शाखा अटेंड किया, लेकिन मुझे एक चीज हमेशा सिखाई गई कि जो गलत है उसको ओपन करने में डरो मत। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस जो मुख्यमंत्री ने जो शिलान्यास किया बीजेपी के ऑफिस का, अच्छा आपके कहने का मतलब कि जहां आपकी जमीन थी उसको एक्वायर कर लिया गया, और एक्वायर करने के काफी दिनों के बाद वहां पे बीजेपी का कार्यालय बना, सब 19 साल बाद, जबकि प्रावधान तो है कि 5 साल के अंदर आपका समाधान, प्रावधान को सब ये जो जो इस गद्दी पे होता है ना, वो प्रावधान का कोई सोचता नहीं है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिस चीज के लिए लैंड एक्वायर किया गया और एक्विजिशन में भी उसी है कि जिस चीज उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया बीजेपी ऑफिस का। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुख्यमंत्री का गलत है, हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री हर चीज एक खुद नहीं देखता, उसके अफसरों ने उसको मिसगाइड किया, उसको पूरा बताया ही नहीं कि ये लैंड का स्टेटस है, शायद वो नहीं करते। तो अभी भी ये लिटिगेशन में है? अभी भी ये लिटिगेशन में, अभी तक मुझे एक ढेला नहीं मिला है वहां से, और मैंने एप्लीकेशन दी डाली हाई कोर्ट में कि इस जमीन को फ्री किया जाए, मुझे वापस दिया जाए, जो यूज ही नहीं हुई 17 साल एक्वायर होने के बाद, वहां पे एज इट इज उसकी फोटोग्राफ्स हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट में मैंने दी, लेकिन कोई वो नहीं। अच्छा कॉम्पेंसेशन के लिए हम आपको उनको कह देते हैं कि जल्दी करें। तो चलिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और जल्दी गाइडलाइन देगी, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके साथ ये चीजें हो। अब एक अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरा, आप ले लीजिए बस। वैसे भी आप जैसे बचपन से ही अपने आप को दूसरे के हवाले समर्पित कर दिया है आपने, तो अब आपकी आखिरी इच्छा क्या है? क्या आप अपने पूरे शरीर को डोनेट कर दिया है कहीं आपने? देखिए ऐसा है, शरीर को तो डोनेट कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए थे आज से करीब 9-10 साल पहले, ये कार्ड मैंने बनवा लिया था। यस, आई एम एन ऑर्गन डोनर। तो मैं एक बार हॉस्पिटल गया 6.5 साल पहले, कुछ प्रॉब्लम थी, तो पहली चीज मैंने डॉक्टरों को ये दे दिया कार्ड कि भैया अगर मुझे यहां से उठा के ले जाना पड़े तो जो जो मेरे जिसमें चीज है जो किसी के काम आ सकती है वो निकाल लीजिएगा, ये अथॉरिटी है आपको, मेरी वाइफ से, मेरे बेटे से, मेरी बेटी से, मेरे भाई से, किसी को उससे साइन करवाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं। आप अपनी आखिरी इच्छा बताइए क्या है? मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ पांडे जी ये है कि अगर मेरे को सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, मैं बहुत जिंदगी अच्छी लीड किया हूं, तो जाने से पहले कुछ सोसाइटी को दे के जाऊं, कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से मैंने दिल्ली स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन है उसमें ऑनररी प्रेसिडेंट हूं, रेड क्रॉस में मैं ऑनररी सेक्रेटरी का काम किया 2 साल। मतलब मेरी इच्छा सिर्फ ये है कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे के जाऊं जो सोसाइटी ने मुझे दिया। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपसे हमारा समाज सीख लेगा और सब लोग
आज यही सोचें कि हमें कुछ समाज को दे के जाना है, क्योंकि समाज ने बहुत कुछ हमें दिया है। तो ये थे आज के हमारे शख्सियत प्रोग्राम के हीरो अशोक मलिक जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी शख्सियत लोगों के लिए जरूर प्रेरणा स्रोत बनेंगे। सर हीरो तो, नहीं, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, आप मुझे ऊपर नहीं चढ़ाइए। और अगर कोई भी मुझे ये कहता है कि तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूं प्लीज मुझे थप्पड़ मत मारिए, कर ऊपर वाला रहा है, मेरे से करवा रहा है। आपके विचार बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।